हाई एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सो आज की जो रीडिंग है आज की जो प्रोडिक्शन है दिस इज ऑल बेस्ड ऑन योर डिमांड्स आप सभी के क्वेश्चन थे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन थे तो ये रीडिंग भी कलेक्टिव क्वेश्चन की है जो जो आपकी लाइफ में फ्यूचर में करेंटली या अपकमिंग आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उससे रिलेट करने का सो आई होप यू विल गोइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर क्लैरिटी विथ दिस रीडिंग प्रोडिक्शन जानते हैं यहां मैं आपको बता देती हूँ पिकअप कार्ड रीडिंग है जैसे जैसे मैं आपको कार्ड चुनने को बोलूंगी आपको चुनना है एक सेलेक्ट करना है जिस तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और उसी बेसिस पे आप जान पाएंगे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके लिए आपका फ्यूचर आपकी डेस्टिनी और आप यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं सो लेट्स गेट इनटू दिस डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल टाइम टाइम शेयर कर रखे हैं सो गो एंड विजिट एंड एंड वॉच गो हेड विद योर क्वेश्चन सो दिस इज ऑल लेट्स स्टार्ट सो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन है दिस इज कि आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज आप किसी भी फेज में है अपनी लाइफ के आपके लिए आपकी डेस्टिनी क्या कहती है लव और अरेंज ये जानते हैं सो अ कार्ड रीडिंग है आपके सामने स्क्रीन पे तीन पाइल आ रहे हैं पाइल वन पाइल टू पाइल थ्री किसी भी एक को सेलेक्ट करें बेस्ड ऑन द यू नो कलर क्रिस्टल और एनी कार्ड सो वन टू एंड थ्री सो चेक करते हैं आपके लिए अगर आपने चुना है पाइल वन तो क्या आपकी लव मैरिज है और अरेंज मैरिज सो पाइल वन कार्ड वन लव और अरेंज, विल इट बी लव और अरेंज, द किंग ऑफ कप पाइल वन आप सभी के लिए लव मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पे लव रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन आ रहा है किंग ऑफ कप यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है अबाउट द कंपैशनेट एंड विश लव तो जिनके साथ आप चाहते हैं जैसा विश करते हैं सोलमेट पार्टनर जिस तरीके का लव आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ आपके लिए लॉयल्टी एंड इमोशनल अटैचमेंट भी दिख रहा है सो दिस इज रियली नाइस आई होप यू गाइज हैव नाउ क्लैरिटी सो नाउ आई एम स्विचिंग टूवर्ड्स द कार्ड टू सो कार्ड टू के लिए जान लेते हैं क्या दिख रहा है आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज आपकी क्या विश है ये कमेंट सेक्शन में लिखे आप क्या चाहते हैं लव और अरेंज सो देख लेते हैं वी हैव थ्री ऑफ कप ग्रोइंग एंड कॉपरेटिव लव दिस इज इंडिकेटिंग अरेंज मैरिज ग्रुप टू आप सभी के लिए अरेंज मैरिज की वाइब्स आ रही हैं एंड दिस इज इंडिकेटिंग बिकॉज यू आर एक्चुअली कमिंग वेरी

नाउ आई एम स्विचिंग टूवर्ड्स द कार्ड थ्री तो अगर आपने कार्ड थ्री चुना है सो so जान लेते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेन्ज मैरिज सो लक्ष्मी सिंह जरूर लिखे कि आप क्या चाहते हैं लव और अरेन्ज जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सो वी हैव द जस्टिस फेयर एंड डिजर्विंग लव दिस इज इंडिकेटिंग आपकी अरेन्ज मैरिज है और एस पर द जस्टिस आपको एक फेयर और डिजर्विंग लव मिलेगा एक ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल फेयर होंगे कोई भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कोई भी आपके साथ अनफेयर नहीं होगा लॉयल्टी लव स्टेटस एवरीथिंग विल बी वेरी बैलेंस एवरीथिंग विल बी सो सिंकोनाइज सो एक परफेक्ट पार्टनर बैलेंस पार्टनर कोई भी किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन या बाइसिंग नहीं दिख रहा है सो यू विल गोइंग टू रिसीव द लव अ वेरी फेयर पार्टनर एंड इट इज गोइंग टू बी इन अ अरेंज मैरिज ठीक है सो so,

टू रिसीव दोलमेट कनेक्शन सो नाउ द क्वेश्चन इज इंडिया और अब्रॉड और आइडर जहां आप स्टे करते हैं वहां आपके होम टाउन या फिर आप किसी अदर कंट्री में सेटल होंगे तो जान लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है सो बेस्ड ऑन योर जोडिक साइन यहाँ पर है आपके सामने एक स्क्रीन शॉट है वहाँ आप अपने जोडिक साइन जिस जो भी आपका जोडिक साइन है उस कार्ड को चुने और जाने कि आपके लिए कहाँ सेटलमेंट है आप अपनी लाइफ में अपने बर्थ प्लेस अपने होम टाउन जहां आप हमेशा से रहे हैं वहाँ सेटल होंगे या आप अब्रॉड में सेटल होंगे अदर कंट्री में सेटल होंगे इंटरनेशनल आपके लिए ट्रैवलिंग और यू नो लॉन्ग टर्म स्टे है क्या नहीं ठीक है सो so, जान लेते हैं मी सी So, card one, आप सभी का जो जोडिक साइन था देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है सेवन ऑफ सॉट सी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रैवलिंग है सो कार्ड वन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अदर स्टेट कंट्री प्लेस पे सेटल हो तो वहाँ की पॉसिबिलिटीज हैं इट इज़ यस लेकिन मुझे कही कहीं ना कहीं वाइब्स इंटरनेशनल नहीं आ रही हैं लोकेशन शिफ्ट तो दिख रही है चेंजेस दिख रहे हैं बट इट्स नॉट कमिंग अ कंप्लीट चेंज लाइक यू आर स्टेइंग इन इंडिया एंड यू आर सेटलिंग इन यू एस ए वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस यू आर गोइंग यू आर ट्रैवलिंग यू आर इन्वॉल्विंग बट देन कमिंग बैक देन अगेन सेटलिंग इन योर ओन जोन सो दैट इज एक्चुअली कमिंग लाइक कि अगर आप इंडिया या अब्रॉड या अपने होम टाउन प्लेस अपनी कंट्री या फिर अदर कंट्री की बात करें तो so आपके लिए ट्रेवलिंग मूवमेंट तो है लेकिन परमानेंट किसी और जगह सेटलमेंट नहीं है ठीक है सो आई होप ना यू हैव दिस क्लैरिटी सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द कार्ट टू कार्ट टू में जितने भी जोडिक साइन थे जान लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही हैं विद इन कंट्री और आउटसाइड आपके लिए क्या रहेगा सो वी हैव दिल ऑफ फॉर्चून आपके लिए अब्रॉड है ट्रेवलिंग लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और स्टेग डेयर एंड गेटिंग एवरी काइंड ऑफ प्रवलेज ये है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप अदर कंट्री रहना चाहते हैं अदर आप अदर कंट्री में घूमना चाहते हैं इवन आप सभी के लिए वर्ल्ड टूर भी आ रहा है तो ऑल दाइन दैट आर अटैच कनेक्टिंग विद दिस ग्रुप टू या कार्ड टू आप सबके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि हाँ आपकी जर्नी में शिफ्टिंग है ट्रैवलिंग है लोकेशन चेंज है एंड इट इज एक्चुअली कमिंग बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी इज सपोर्टिंग यू फॉर योर ट्रैवलिंग ठीक है सो वर्ल्ड टूर की बात हो या फिर अब्रॉड में सेटलमेंट की बात हो दिस इज ऑल गोइंग टू बी इन योर फेवर कार्ड थ्री जान लेते हैं आपके लिए क्या कंट्री में और इंटरनेशनल आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं सो वी हैव द स्ट्रेंथ आपके लिए अदर कंट्री के लिए जाना या ट्रैवल करना या वहाँ पे सेटल होने के लिए वाइब्स पॉजिटिव नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी सारे एफर्ट्स एंड और भी बहुत सारी चीजों में आपका फोकस दिख रहा है सो इट इज इंडिकेटिंग इट इज नॉट कमिंग वेरी स्मूथ सो ट्रैवल और स्टे फॉर एवर सेटल देयर एंड रिसीविंग द आर और आई यू नो लाइक प्लानिंग कम्पलीटली टू सेटल इन अदर कंट्री ये वाइब्स यहाँ नहीं दिख रही हैं एस पर स्ट्रेंथ आपके एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं सो ये एफर्ट जो दिख रहे हैं दे आर नॉट कम फेवरेबल फॉर योर परमानेंट सेटलमेंट ठीक है सो एब्रॉड के लिए जाना आना आपका हो सकता है और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू प्लान एंड टू गेट देट यू नो राइट्स एंड पेपर वर्क एंड एवरी थिंग बट हाँ परमानेंट सेटलमेंट नहीं दिख रहा है सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू आई होप गाइज यू हैव द क्लैरिटी और इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट आप रीडिंग बुक कर सकते हैं साथ ही में अगर आप क्रिस्टल जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा होगा जो आपके लिए लक इनहेंस करेगा मोटिवेट करेगा आपकी यू नो जो आपकी लाइफ है उसमें पॉजिटिविटी भर देगा सो so, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू ठीक है सो दिस इज ऑल बाय हाय एवरीवन लेट्स सी आपके लिए बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ आपका फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा आप सब चाहते हैं एक वंडरफुल लाइफ प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस एंड लग्जरी सो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरीके की लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं दैट कुड बी एवरेज गुड और आ लग्जरी लाइफ स्टाइल सो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चुने और जाने की आपके लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है सो so यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल वन कार्ड वन जान लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा दिख रहा है फॉर योर फ्यूचर आपकी डेस्टिनी में कितना मेटलिस्टिक ब्लेसिंग्स हैं, सो वी हैव सिक्स ऑफ कप दैट्स रियली नाइस आई मे दिस इज रियली अमेजिंग यू गाइज आर एक्चुअली कमिंग विद्स ऑफ स्टेबिलिटी एस पर सिक्स ऑफ कर्ड आपके लिए कार्ड वन यहाँ सबसे अच्छी वाइब्स आ रही है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं सो so, अगर आपके मन में बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो आपके पुराने पास से चलते आ रहे हैं कि यू वॉन्ट टू हैव अ हाउस यू वॉन्ट टू गिव गिफ्ट योर पेरेंट्स सम गुड स्टेबिलिटी यू वॉन्ट टू बाय अ गुड कार और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान करना चाहते हैं अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं दैट इज पॉसिबल फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा रहेगा मनी मेकिंग काफी अच्छी दिख रही है और जितना भी आप एक यू नो लैजर एंड लग्जरी जितना आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे सो फाइनेंशियली इट इज कमिंग रियली ग्रेट अगर आप अभी अपने

सो दिस इज नॉट कमिंग फॉर यू आई होप दिस विल गोना रेजोन एट सो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नाउ आई एम स्विचिंग टूवर्ड्स द कार्ट टू सो कार्ड टू एज पर योर डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा विल यू गोना है गुड लग्जरी लाइफ स्टाइल मिटलिस्टिक ब्लेसिंग्स और आप एक हैप्पी सेटिस्फाइड रहेंगे या नहीं सो वी हैव एट ऑफ सॉट सी ग्रुप टू आपके फाइनेंशियल स्टेटस तो काफी अच्छा दिख रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आप एट ऑफ सॉट के बेसिस पे बहुत सारी चीजों में स्टक भी दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक्सपेंसेस बहुत रहेंगे मनी तो बहुत रहेगा ही लेकिन आसपास में एक्सपेंसेस भी अनप्लान एक्सपेंसेस या फिर आप ज्यादा खर्च करने वाले पर्सन बन जाएंगे या ज्यादा आप सोचेंगे नहीं और यू विल गोना स्पेंड होल ऑफ योर सैलरी लाइक दैट सो यहाँ आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि हाँ आप कुछ कुछ चीज़ों की वजह से लाइबिलिटीज में बंधे रहेंगे लाइबिलिटी कुड बी लाइक आप बिग यू नो प्रोजेक्ट वर्क करना तो आपने रिस्क ले लिया आपने अपने फाइनेंस को वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया इस तरीके से आप काफ़ी रिस्क टेकिंग पर्सन दिख रहे हैं और मनी को लेके मनी तो रहेगा लेकिन हाँ साथ ही साथ उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उनका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन उनका कहीं ना कहीं स्पेंड हो जाना यह भी आपकी लाइफ में चलता रहेगा सो so, ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ आपके लिए तो आपके लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल आ रही है और इट्स नॉट गोना बी लाइक दिस कि आप स्ट्रगल करेंगे बट हाँ बहुत ज्यादा लग्जूरियस चले जाना और लाइक लाइक मल्टीप्लाइंग ऑफ लाइक लैंड प्रॉपर्टी हाउस ये चीजें नहीं दिख रही हैं आप अपनी तरफ से लेकिन बेस्ट करेंगे सो एज पर एट ऑफ सॉर्ट यस लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट यस अनएक्सपेंसिस आपके लिए अनप्लान प्लान एक्सपेंसिस भी आपके लिए बने रहेंगे ठीक है सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू आई होप दिस विल रेजोनेट सो जान लेते हैं नाउ अब आपके लिए ग्रुप थ्री आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा सो वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ट रियली पावरफुल यू गाइज आर कमिंग एक्चुअली वेरी लग्जूरियस यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा आ रहा है और सिर्फ फाइनेंस नहीं आ रहा है आपके पास पावर भी आ रही है सो मनी इज ब्रिंगिंग और आइदर क्रिएटिंग द पावर रेस्पेक्ट एंड अ गुड स्टेटस फॉर यू नो यू फॉर यू और अराउंड एवरीवेयर आप बहुत प्रोटेक्ट आ रहे हैं आप बहुत स्टेबल आ रहे हैं आप बहुत सिक्योर आ रहे हैं आपके पास काफी सरप्लस सेविंग होगी और स्पेशली क्वीन ऑफ सॉट आपके लिए ऐसा आ रहे हैं कि यू आर कमिंग फ्री यू आर हैविंग दैट फ्रीडम टू चूज सम थिंग तो वेन यू कैन एबल टू चूज तो यस आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे मनी वाइज यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्टेबिलिटी बनी रहेगी सो हाँ आई मस्ट से कि हाँ इफ़ यू वॉन्ट टू बाय सम हाउस इफ़ यू वॉन्ट टू हैव सम गुड लग्जरी इफ यू वॉन्ट टू प्लान सम थिंग वर्ल्ड टूर और समथिंग येस आपके पास आपकी नॉलेज की बेसिस पे आपके स्टेटस के बेसिस पे आपकी जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मनी एंड पावर बना रहेगा सो दिस इज रियली नाइस आई होप गाइज इट इज गोना रेजोनेट विद यू एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें पर्सनल रीडिंग लेनी है सो so आप बुक कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग थ्रू माई वेबसाइट स्लॉट्स आर अवेलेबल और अगर आपको क्रिस्टल जानने की वो लकी क्रिस्टल कौन से होने वाले हैं जो आपकी लाइफ में मनी आपकी लाइफ में सक्सेस आपकी लाइफ में लव लाएंगे सो so आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू सो दिस इज ऑल फॉर टूडे बाय हाई एवरीवान सो आप जानते हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कि आपके लिए प्रोडिक्शन क्या है कि आपके लिए जॉब है या बिजनेस इन योर फ्यूचर सो आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे या आपकी डेस्टिनी क्या कहती है जान लेते हैं तो आपके सामने आ रहा है और इस में आप देख रहे हैं तीन ब्रेसलेट जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं जिस भी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं चूज दैट वन एंड आई विल गोइंग टू लेट यू नो कि आपके लिए जॉब है या बिजनेस है सो so आप तीनों के लिए जो भी आपने चुना है कार्ड वन कार्ड टू कार्ड थ्री सो कार्ड वन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स सेक्शन में जरूर लिखे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप जॉब चाहते हैं या बिजनेस चाहते हैं ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब भी हो सकती है एनी anyway, वे और बिजनेस में एनी थिंग दैट कुड बी कंसल्टेंसी फ्रीलेंस वर्क और एनीथिंग दैट लाइक यू आर अ ओनर ओके सो लेट मी सी आपके लिए कार्ड वन जिन्होंने चुना है आपके लिए जॉब है या बिजनेस सो टेन ऑफ ओके सी आपके लिए यहां पर आ रही है जॉब द टेन ऑफ इज कमिंग विद द मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू आर एक्चुअली हैंडलिंग दैट आपके पास मल्टीपल टास्क रहेंगे मल्टीपल जो जॉब रोल रहता है वो रहेगा एंड दैट इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ कमिटमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और आप उन सबको हैंडल कर रहे हैं टेन ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके लिए बिजनेस ओरिएंटेड एनर्जी नहीं आ रही है आपकी जो एनर्जी है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपका लाइफ है या फिर आपकी जो गोल प्लान है उस बेसिस पे आपके लिए जॉब बनेगी सो द जॉब इज देयर इट कुड बी गवर्नमेंट इट कुड बी प्राइवेट आप काफी ज्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल वर्क मल्टीपल प्लान मल्टीपल एक्शन के साथ रहेंगे और ये जो एनर्जी दिख रही है दिस इज इंडिकेटिंग टू मच बिजीनेस तो बिजी भी दिख रहे हैं अपनी जॉब के साथ आपकी जॉब में बहुत कम काम नहीं दिख रहा है यू आर कमिंग लाइक विद मैनेजिंग बिग टीम मैनेजिंग अ ग्रुप और हैंडलिंग समथिंग बिग प्रोजेक्ट लाइक दैट ओके तभी तो इतने मल्टीपल टास्क आ रहे हैं

बेस्ड ऑन योर पास एक्सपीरियंस सो कहीं ना कहीं आपके लिए हर मिट एनर्जी बता रहा है अकेले आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं और यू आर बिकमिंग मास्टर यू आर बिकमिंग मोर नॉलेजेबल आप ज्यादा मेच्योर होंगे नॉलेज अच्छी होगी सारी चीजों को देख कर हो सकता है पहले आप जॉब में बहुत कुछ सीखें और उसके बाद फिर बिजनेस की तरफ आगे बढ़े ठीक है सो दिस इज रियली कमिंग लाइक अ रे ऑफ होप एंड लाइक टू यू एंड यस yes, आप एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सन दिख रहे हैं सो योर एनर्जी इज मोर कमिंग थ्रू दैट जहां आप अपनी खुद की स्किल्स खुद की क्रिएटिविटी खुद की नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ खुद सेटअप करें ओके सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर ग्रुप टू आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट लेट मी चेक नाउ ग्रुप थ्री सो कार्ड थ्री आप सभी ने जो चुना था देख लेते हैं आपके लिए बिजनेस है या जॉब है

और जहाँ आप एक यू नो यू आर हैंडलिंग पीपल यू आर हैंडलिंग द बिग रोल्स ओके और यहाँ आपके लिए जॉब दिख रहा है क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप तो है दैट इज ऑल अट्रैक्टिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर बिजनेस बट जिस तरीके से आप यहाँ पे यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग एंड यू नो हैंडलिंग अ ऑर्गेनाइजेशन सो so, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करें ओनर की जगह आप वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट जॉब रोल संभाल के ठीक है सो ग्रुप थ्री अगर आप इससे कनेक्ट करते हैं सो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ओवरऑल आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं अगर आप किसी भी टाइम किसी भी अपने लाइफ में अगर आप बिजनेस की तरफ भी जाएंगे सो तो, तो भी वो भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा वो भी लॉस नहीं है ठीक है सो so, कहीं ना कहीं आपके लिए दोनों तरीके की एनर्जी दिख रही है स्पेशली जैसे कि वन uh, के लिए जॉब था सेकंड के लिए बिजनेस था ग्रुप थ्री आपके लिए स्पेशली आ रहा है दोनों चीजें और जहां आप ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हैंडल करेंगे सो so, इस तरीके का जॉब रोल आपके लिए रहने वाला है दिस कुड भी कि आप आगे जाकर अपना भी कुछ सेटअप कर लें तो दे इज होल लॉट ऑफ चांसेस फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स ठीक है सो दिस इज ऑल आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट सो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कमेंट आप मेरे को वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं स्लॉट्स आर अवेलेबल और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल यू वांट टू नो कि आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल है दैट विल गोइंग टू बी लकी दैट विल गोइंग टू ब्रिंग द गुड फॉर्चून एंड हैप्पीनेस टू यू सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू देन यू कैन टेक इट ओके सो दिस इज ऑल बाय हाय एवरीवन सो जानते हैं आपके लिए आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज फॉर योर फ्यूचर हाउ विल बी योर फ्यूचर हाउ विल बी योर फर्दर लाइफ आप किस तरीके के अपकमिंग टाइम को वेलकम कर सकते हैं आपके लिए क्या प्रडिक्शन है सो so, आपके सामने एक स्क्रीन आ रहा है यहाँ पे आपके सामने तीन कार्ड है चुने एक कार्ड को एंड देन जाने की आपका फ्यूचर प्रडिक्शन क्या है सो so, सबसे पहले मैं आप, आपके लिए पुस्ट कर रही हूँ कार्ड वन सो so, कार्ड वन जिन्होंने चुना है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैसा फ्यूचर देख रहे हैं यहाँ जान लेते हैं आपके लिए क्या है द नाइन ऑफ वॉन्स समवेयर आपके लिए जो फ्यूचर दिख रहा है दैट इज समथिंग आउट ऑफ बॉक्स आप बहुत लोगों से काफ़ी अलग रहने वाले हैं क्योंकि आप फ्यूचर में यूनिटी में नहीं आ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा और लोगों के साथ कंफर्ट में नहीं दिख रहे हैं आपकी एनर्जी इंटोवर्ट आ रही है एंड समथिंग वेरी यू नो आपकी सोच या आपकी ओपिनियन या आपकी लाइफ स्टाइल या मैं आपका जॉब प्रोफाइल देखूँ तो वो काफ़ी डिफरेंट होगा और लोगों से बिकॉज नाइन ऑफ वॉन्स इज कमिंग लाइक यू आर नॉट ंग लॉट्स ऑफ बिग ग्रुप फ्रेंड्स एंड कनेक्शन आप बहुत ज्यादा हैप्पी और लिमिटेड लोगों के साथ या फिर लिमिटेड अपने आस पास के एटमोसफेयर के अंदर आगे का फ्यूचर प्लान करेंगे एज पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की इनसिक्योरिटी भी दिख रही है एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि आपके पास कुछ खोने को होगा मतलब आपके पास कुछ बहुत कुछ अच्छा होगा और आपको वो फियर होगा कि ये दूर नहीं जाना चाहिए ये आपसे नहीं खोना चाहिए और एक्चुअली एज पर नाइन ऑफ वॉन्ड दिस इज ऑल्सो कमिंग कि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये भी जान पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस थे या इनसिक्योर थे बट दैट इज नॉट ट्रू मीन्स आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि एज पर करंट एनर्जी आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिसमैच दिख रहे हैं आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्ट फील हो रहा है कि हाउ विल आई मैनेज दिस हाउ विल आई हैंडल दिस पर्सन हाउ विल आई सी दिस विम्पिटिशन तो वो चीजें बदलेंगी और यू विल गोइंग टू हैव अ सिक्योर पोजिशन जहाँ आप खुश रहेंगे तो फ्यूचर तो अच्छा है लेकिन हाँ आउट ऑफ बॉक्स दिख रहा है बहुत ज्यादा लोगों को आप पसंद नहीं आएंगे बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ ऐसा नहीं होगा कि हर कोई आपकी विश आपकी ओपिनियन को मानेगा क्योंकि यहाँ आप दिख रहे हैं वेरी इंडिपेंडेंट कूल पर्सनैलिटी ओके सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जो अगर ये रेजोनेट करी एंड नाउ आई एम गोइंग अहेड विद द कार्ड टू सो अगर आपने कार्ड टू चुना है तो जान लेते हैं आपके लिए आपका फ्यूचर कैसा रहेगा वी हैव किंग ऑफ वन आपका फ्यूचर तो बहुत ही सिक्योर आ रहा है विद लॉर्ड्स ऑफ ऑनर आपको फ्यूचर में ऑनर एंड प्राउड फील होगा क्योंकि आपके लिए जो वनर्जी है दिस इज इंडिकेटिंग की यस ंग टू गिव यू लॉर्ड्स ऑफ लव आप प्राउड फील करेंगे तो आप जिस भी जर्नी पे चल रहे हैं अभी आप अपने कर्मा आप अपने यू नो सपोर्ट या आपके जो ड्रीम्स हैं ड्रीम प्लान जो है फैमिली को लेके अपने आप को लेके अपने स्टेटस को लेके और टचिंग द स्काई एंड हैविंग अ वेरी गुड लाइफ वो ड्रीम्स आप पूरे कर पाएंगे क्योंकि किंग ऑफ वन आप इमोशनली खुश दिख रहे हैं Very proud and अगर मैं पे फिजिकली बात करूँ सो आप आईडल, एनर्जी के साथ दिख रहे हैं आपको वो स्टेटस पोजिशन मिल जाएगा जिससे कि आप अपने आप को काफी पॉजिटिव मानेंगे और लोग आपको एडमायर करेंगे लोग आपको प्रेस करेंगे आपकी बड़ाई करेंगे आप पे प्राउड फील करेंगे ठीक है सो ग्रुप टू यू आर एक्चुअली कमिंग वेरी लकी की यू आर एबल टू अचीव दो जिनका आप वेट कर रहे हैं टिंग आपको वो पोजिशन मिल जाएगी जो आप चाहते हैं अपने करियर में साथ ही साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा दिख रहा है जरूर बताए देन नाउ द पाइल थ्री लखमी सी आपके लिए कार्ट थ्री क्या आ रहा है आपका फ्यूचर कैसा रहेगा जान लेते हैं वी हैव द मून आपके फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड समवेयर और भी ज़्यादा हीलर के रूप में आएंगे बिकॉज द मून एनर्जी इज इंडिकेटिंग इमोशनल बॉन्डिंग आपका खुद का बैलेंस आपकी साइकिक एबिलिटीज एंड इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग लॉर्ड्स ऑफ लव एंड रोमांस। सो एज पर मून यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स हैं कि हाँ जो आपकी मन की विश हैं जो आप मन में उम्मीद करते हैं आप चाहते हैं आपको सोलमेट कनेक्शन मिले आप चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे काम करें आप चाहते हैं कि आपको पीस मिले यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ टू मच लाइमलाइट और समथिंग यू जस्ट वांट पीस हार्मनी एंड यू वांट टू शाइन यू वांट टू बी सिंपल यू वॉन्ट टू बी यूनिक ठीक है सो so ये मून एनर्जी बता रहा है बिल्कुल आपके मन की खुशी आपके मन का सेटिस्फैक्शन और अ गुड रिलैक्सिंग लाइफ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रंट स्टेज पे नहीं है आप बैक स्टेज में बहुत काम कर रहे हैं तो आपका काम आपका कर्मा आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपको लोग बहुत जान रहे हैं आपके काम को लोग बहुत जानेंगे ऐसा मान के चलिए कि अगर एक मूवी बनती है तो उसमें सामने होते हैं अलग अलग कैरेक्टर लेकिन जो पीछे डायरेक्टर होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं सिंगर होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में ऐसे ही मून आपकी भी एनर्जी आ रही है वेल पर्दे के पीछे ठीक है और इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कहीं ना कहीं आप हीलर के रूप में दिख रहे हैं तो आप और भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप और भी ज्यादा अपने इमोशंस दूसरे के इमोशन कंपेशन और सम सोशल सर्विस और सम सपोर्ट टू अदर जो जिनको जरूरत है आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे और मनी आपके पास होगा ठीक है सो दिस इज वॉट कमिंग द फ्यूचर इज कमिंग नाइस इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर अट्रैक्शन वॉट आर अट्रैक्टिंग राइट नाउ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें बहुत ज्यादा नेगेटिव ना बने क्योंकि आपके लिए मून आ रहा है आप बहुत जल्दी से चीजों को लेके टेंशन एंड एंजाइटी लेते हैं सो यू हैव टू बी मोर स्ट्रांग विद योर इमोशंस सो दिस इज ऑल आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट सो सेक्शन में जरूर बताएं और इसी के साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो so वेबसाइट से रीडिंग बुक करें स्लॉट्स आर अवेलेबल साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो लकी क्रिस्टल कौन सा होगा जो आपकी हेल्प करेगा जो आपके लिए अट्रैक्ट करेगा आपके लिए लव रोमांस और एक गुड फॉर्चून लेकर आएगा नेगेटिविटी से बचाएगा सो so आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू सो दिस इज ऑल फॉर टूडे बाय हाई एवरी वन सो हाई होप यू गाइज आर डूइंग वेल लेट मी चेक आपके लिए क्वेश्चन का आंसर क्या है यस एंड नो सो आपको जानना है अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आपके सामने कार्ड आ रहा है स्क्रीन शॉट आ रहा है तीन कार्ड है तीन हर्ट है तो एक हर्ट को चुने और फिर अपने मन में क्वेश्चन जाने अपने मन में एक क्वेश्चन को समझें क्वेश्चन को अपने मन में रिपीट करें और फिर चेक करें कि आपके लिए आंसर क्या है यस और नो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूं सो so, कार्ड चुने हर्ट चुने एक और अपने मन में क्वेश्चन को रिपीट करें आई होप आपने कर लिया होगा या आप पॉज भी कर सकते हैं इस वीडियो को और अपने मन में एक क्वेश्चन को रिपीट कर लें और या फिर उस क्वेश्चन को पूछें इस तरीके से आपको उस चीज को अपने मन में इमेजिन करना है नाउ आई एम प्रोसीडिंग सो सबसे पहले फर्स्ट हर्ड जिन्होंने चुना है सो so, कार्ड वन जान लेते हैं आपके लिए आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस है या नो सो वी हैव टू कार्ड्स दैट्स रियली नाइस एंड द किंग ऑफ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज कमिंग एज यस आपके मन में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे यस आ रहा है एंड दैट्स वेरी प्रॉमिसिंग क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं एंड दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि हाँ जिस तरीके का आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं दिस कुड बी रिलायबल विजन लॉन्ग टर्म प्लान सम कंपेशन लव एंड लॉ ऑर्डर पावर स्टेटस यस ओवरऑल फैमिली टू यू टू यू टू अदर पर्सन मैरिज एंड एनीथिंग बिजनेस करियर आपके लिए आंसर है यस yes. सो so, दिस इज वॉट एक्चुअली आई होप इट विल रेजुनेट और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आंसर आया है ये एंड दैट वेरी प्रोमिसम प्रोसीडिंग फॉर कार्ट टू सो कार्ट टू जिन्होंने चुना है जान लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे जो भी आपने क्वेश्चन लिखा है अपने मन में सोचा है और पूछा है तो आपके लिए वी हैव पैन आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली एंड मैरिज की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं एंड इट इज यस आपके लिए आंसर यस है और इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइफ तो जो भी मन में सोच रहे हो हजबेंड वाइफ लव ट्रूथफुल मनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस पावर फैमिली एनीथिंग जो भी आपके आसपास आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके लिए आंसर यस है एंड इट इज ऑल पॉसिबल सो दिस इज रियली पॉजिटिव आई मत से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था क्योंकि एज पर टेन ऑफ पेंटिकल वो लैंड प्रॉपर्टी की बात हो लग्जरी लाइफ की बात हो और चूजिंग योर पार्टनर और हैविंग अ लव और अरेंज मैरिज आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं अपनी फैमिली को ग्रोथ पे देखने के बारे में सोच रहे हैं एंड लॉट्स ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एज वेल सो द आंसर इज यस एंड इट्स वेरी स्ट्रोंग यस ओके सो नाउ लेट मी सी कार्ड थ्री आपके लिए क्या आंसर आ रहा है आपके लिए आपका जो क्वेश्चन आपने अपने मन में पूछा है

एंड दिस इज वे द फाइवर पेंटिकल दैट इज लूजिंग फ्रॉम द हैंड ठ ठ ठ ठ ठीक है वो हाथ में नहीं आ रहा वो चीज़ें फ्यूचर में आपकी लाइफ में नहीं बन पा रही हैं सो एज़ पर फाइवर पेंटिकल यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन ऑन द अदर थिंग्स और आईदर टू मूव ऑन टू शिफ्ट टू द अदर ऑप्शन टू लुक फॉरवर्ड फॉर सम न्यू प्लान आइडिया क्योंकि यहाँ जो चीज़ आप एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं वो रिलेशनशिप हो कमिंग बैक रिकाउंसिलेशन और मैक्सिमम बेनिफिट और समथिंग सो वहाँ पर नो आ रहा है ओके okay? सो so मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा था और अगर आप सभी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो so जरूर इसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं स्लॉट सारा अवेलेबल वेबसाइट पे जाकर आप अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं बुक योर सेशन एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जानना चाहते हैं आपके लिए वो क्रिस्टल कौन सा है जो सबसे अच्छा होगा सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम मैं इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगी कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा दिस इज ऑल फॉर टूडे बाय हाय एवरीवन सो आई होप यू आर इंजॉइंग दिस एंड गेटिंग मोर क्लैरिटी अबाउट ईच क्वेश्चन सो जानते हैं अब आपके पार्टनर या आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है तो आपके सामने आ रहा है स्क्रीनशॉट यहाँ आपके सामने है मंथ आपका बर्थ मंथ अपना बर्थ मंथ चुने अपने बर्थ मंथ पर सेलेक्ट करें कार्ड वन कार्ड टू और कार्ड थ्री और जाने की आपके पार्टनर या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है सो so, देख लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर आपका कनेक्शन और आयदर जिनके भी बारे में सोच रहे हैं कार्ड वन उनकी करंट फीलिंग क्या है सो वी हैव द बैक स्टैबिंग एंड ट्रांजेक्शन ओके टेन ऑफ सॉल कहीं ना कहीं उनके करंट फीलिंग में आ रहा है धोखा अनस्टेबिलिटी नॉट ट्रस्टवर्दी और नो कमिटमेंट उनको हो सकता है ऐसा भी फील हो रहा हो कि यहाँ पे उनके साथ बुरा हुआ है या उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है एंड नाउ इट इज मोर इंडिकेटिंग कि आप उन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि यू नो द गाय गर्ल विल गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड विल गोइंग टू रिग्रेट और आई दर रियलाइज हिज और हर मिस्टेक बट एज पर बैक स्टैबिंग एंड ट्रांजेक्शन मूव ऑन की एनर्जी आ रही है और शिफ्टिंग की एनर्जी आ रही है और जो पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं उनको एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है सो so यहाँ उनकी तरफ से गिल्ट रिग्रेट या सॉरी की वाइब्स नहीं दिख रही हैं इट इज मोर इंडिकेटिंग कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया उन्होंने एफर्ट्स डाले उन्होंने सब कुछ किया लेकिन उनका उनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला उनकी लाइफ में उनको बहुत पॉजिटिविटी नहीं मिली जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे सो समे दिस इज टाइम जहाँ वो फील कर रहे हैं बैक वो फील कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है ठीक है ये हो सकता है कि ये आपके साथ हुआ हो लेकिन नाव सारा ब्लेम आपके ऊपर आ गया है या हर चीज आपके ऊपर दिख रही है कि आपकी वजह से हुआ है एंड ही ऑल go, सो स्ट्रगल नहीं दिख रहा है ऑनेस्टी नहीं दिख रही है तो आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक वाइब्स नहीं आ रही हैं लव इज नॉट देयर ट्रू लव इज नॉट देयर ठीक है सो दिस इज वॉट कमिंग आई होप नाव यू हैव क्लैरिटी सो नाउ आई एम चूजिंग द सेकेंड कार्ड सो सेकेंड कार्ड आप सभी ने चुना है अपने मंथ के अकॉर्डिंग जान लेते हैं आपके लिए आपके जो कनेक्शन है आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके सो वी रिग्रेटफुल लव कहीं ना कहीं रिग्रेट आ रहा है रिग्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है और सोचा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों किया ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता सो एंड सो ऑन यहाँ पे वीपिंग एनर्जी भी आ रही है और एनजाइटी एंड स्लीपलेसनेस रात रात को नहीं सोना ओवर थिंक करना सैडनेस एंड पेन एंड सफरिंग कहीं ना कहीं यहाँ जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत हेल्दी और पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं एनजाइटी स्ट्रेस नेगेटिविटी आ रही है और जो भी खोया है जो भी रिलेशनशिप में अगर कुछ भी गड़बड़ प्रॉब्लम्स सफरिंग रही है तो उन सब चीज़ों को लेके You know, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं समवेयर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो बहुत कन्फ्यूज दिख रहे हैं कमिटमेंट को लेके या फ्यूचर प्लानिंग को लेके या कुछ डिसीजन को लेने में भी बहुत कन्फ्यूज आ रहे हैं ठीक है सो यहाँ आइसोलेशन आ रहा है अकेलापन आ रहा है और रिग्रेट कर रहे हैं कनेक्शन को लेके लव को लेके या फिर इस बॉन्ड को लेके रिग्रेट फील हो रहा है ओके दिस कुड बी यू जिनकी लाइफ uh, में ऐसा चल रहा है बेस्ड ऑन द अदर पर्सन अदर पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंजाइटी स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी बन रही हो और यू आर जस्ट नॉट एबल टू डिसाइड सो यहाँ कंफ्यूजन एंड मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी एंड एनजाइटी दिख रही है सो दिस इज नॉट कमिंग वेरी पॉजिटिव ओके सो दिस इज ऑल आई होप दिस विल रेजोनेट नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द कार्ड थर्ड कार्ड सो थर्ड कार्ड जिन्होंने भी चुना है आपके मंथ के अकॉर्डिंग जान लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या दिख रही हैं सो वी हैव द फुलफिलमेंट एंड अबेंडेंस लव दैट इज रियली नाइस एक प्लेजर दिख रहा है अट्रैक्शन दिख रहा है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इंजॉय करना चाहते हैं एटलीस्ट यहाँ एनर्जी मुझे सबसे अच्छी दिख रही है कि वो प्रेजेंट को जीना चाहते हैं तो आपकी तरफ अगर अट्रैक्शन बन रहा है लव कनेक्ट हो रहा है यू आर एक्चुअली यू नो कनेक्टिंग विद ईच अदर सो इट्स एक्चुअली वेरी पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे लव रोमांस एन्जॉयमेंट फन ट्रैवलिंग लेजर वकेशन सारी चीज़ें सपने सारे प्लान्स और uh, काइंड ऑफ स्पेंडिंग गुड टाइम मेकिंग मेमोरीज ये दिख रही है तो वो जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं लव चाहते हैं अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं दिस इज प्लेजरेबल दिस इज कमिंग लाइक फुलफिल्ड हंड्रेड परसेंट कम्प्लीटनेस सैटिस्फेक्शन एंड अबेंडेंस लव लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हिज एंड हर साइड ओके सो दे आर एक्चुअली कमिंग वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स दिस कनेक्शन दे आर एक्चुअली कमिंग वेरी हैप्पी विद दिस कनेक्शन बट हाँ सारी चीजें प्रेजेंट को इन्जॉय करती दिख रही हैं, सो so, इस टाइम का प्लेजर इस टाइम का अट्रैक्शन इस टाइम का बॉन्ड जरूरी नहीं कि फ्यूचर में हर तरीके की चीजों को डिसाइड करे बट हाँ प्रेजेंट में करेंट एनर्जी उनकी बहुत पॉजिटिव है थिंकिंग एंड एंजॉयमेंट ओके सो दिस इज नॉट कमिंग आई होप दिस विल रेजुनेट सो कॉमेंट सेक्शन में बताएं पर्सनल रीडिंग लेनी है सो so आप सभी बुक कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट और स्लॉट्स अवेलेबल हैं और अगर आप क्रिस्टल जानना चाहते हैं कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा होगा सो विजिट ऑन माई इंस्टाग्राम और मुझे आप मैसेज कर दीजिए आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू दिस इज ऑल बाय हाई एवरी वन सो आप सभी को आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी बेस्ड ऑन ऑल देश तो जान लेते हैं दिस इज द लास्ट एंड द वेरी ब्यूटिफुल सभी के लिए कि क्या आपकी कौन सी विश पूरी होगी क्या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विश पूरी होगी ये जानते हैं यूनिवर्स से सो so, आपके सामने एक स्क्रीन शॉट है आपके सामने तीन कार्ड है चुने एक कार्ड को और जाने की क्या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा और आपकी कौन सी विश है जो पूरी होगी ठीक है दिस इज बेस्ड ऑन द क्रिस्टल कार्ड सो जान लेते हैं क्योंकि आपके लिए, लिए यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइव्स है यस आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी मन में जो विश चल रही है वो पूरी होगी यहाँ आप जो चाहते हैं वो विश पूरी करने में आपका हर चक्र बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और गार्नेट एनर्जी आ रही है गार्नेट इज अ क्रिस्टल गार्नेट इज कनेक्टिंग विद यर हार्ट चक्रा और ये बता रहा है कि हाँ एंड ग्रेविटी अर्थ एनर्जी भी आ रही है कि हाँ आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट एंड मेक इट हैपन अगर आप अपनी टोटली जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो आपकी विश है अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं यू आर टोटली वेरी कॉन्फिडेंट यस आपकी विश पूरी होगी दिस इज पॉसिबल स्पेशली अब्रॉड जाना अपने मन की विश के अकॉर्डिंग पार्टनर के साथ मैरिज करना या वो अपॉर्चुनिटी लेना जो आप चाहते हैं इस तरीके की ड्रीम लाइफ -like की विश आपकी पूरी हो सकती है सो दिस दिस इज रियली अमेजिंग आई होप सेक्शन में बताएं कि वो कौन सी विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड तो कार्ड टू जिन्होंने चुना है जान लेते हैं आपकी वो कौन सी विश है जो पूरी होगी और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है क्या आपकी विश पूरी हो जाएंगी सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्स दैट्स है इन येलो कैलसाइट सन एनर्जी आ रही है आपके लिए इज अ क्रिस्टल जो कहीं कही हमारे करियर पावर पोजिशन क्रिएटिविटी हेल्थ हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है एंड द सन फ्लावर एनर्जी इज कमिंग फॉर यू आई एम सक्सेसफुल इन ऑल आई डू तो आपके जो एक्शन है आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए जो कर्मा कर रहे हैं वो विश आपकी जरूर पूरी होगी क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि यस आई एम सक्सेसफुल इन ऑल आई डू सो आपकी जो विश है वो जरूर पूरी होनी है स्पेशली यहाँ पर आ रहा है आपके लिए एक पावरफुल पोजिशन हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छे स्टेटस का ब्रांड स्टेब्लिशमेंट बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हैं यहाँ रेस्पेक्ट बहुत मिल रही है आपको सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो विश रखते हैं कि आपको ऑनर फील हो आपको प्राउड फील हो आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें हाँ वो आप करेंगे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं दैट इज कमिंग इन योर फेवर ओके तो येलो कैल साइड विल गोना हेल्प यू आर लॉट इन दिस क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे आपका करियर स्टेटस आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो भी विश है वो जरूर पूरी होगी आई होप दिस विल गोनाट कॉमेंट सेक्शन में बताएं आप वो कौन सी विश है जो पूरी करना चाहते हैं देन नाउ आई एम पुटिंग द कार्ड फॉर थ्री सो कार्ड थ्री आपने जो चुना है जान लेते हैं क्या आपकी विश पूरी होगी जो आप चाहते हैं क्या आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है ओके सो वी विल शप अगेन वी हैव टेन ऑफ वॉन्ट्स आई लव एंड केयर फॉर माइसेल फर्स्ट समवेयर आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए टेन ऑफ बता रहा है कि जिस तरीके की मैनिफेस्टेशन लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हैं यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन यहाँ आपको प्रायरिटी अपने आप को पहले देनी होगी तभी आपकी वो विश पूरी होगी तभी आपका जो मैनिफेस्टेशन है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पूरा हो जाए तब वो जाके पूरा होगा आई लव एंड केयर फॉर माइसेल फर्स्ट फर्स्ट यू हैव टू कीप योर सेल्फ एज योअर प्रायरिटी तभी वो मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा वरना नहीं क्योंकि टेन ऑफ वर्न बहुत लोगों का बहुत चीजें बहुत सारी चीजें एक साथ बर्डन प्रेशर एंड स्ट्रगल आपके लिए दिख रहा है ये इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो हैंडल नहीं होंगी चीजें ठीक है सो दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन यू

बर्डन टॉक्सी और जो डेप्थ हैं आपके वो दूर हो जाएंगे किसी भी तरीके का लाइबिलिटी कर्जा टॉक्सी एनर्जी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग नहीं है बहुत फाइट एग्रेशन तो कहीं ना कहीं आप जो थके हुए दिख रहे हैं टायर्ड दिख रहे हैं अपने पास से वहां से आप मूव ऑन कर जाएंगे आपके लिए नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं सो आई होप दिस विल वेजुनेट कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या विश कर रहे हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और तभी उसी डायरेक्शन में सही तरीके से आगे बढ़े सो दिस इज ऑल फॉर यू अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं एंड इफ यू वॉन्ट क्रिस्टल कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जो आपके लिए रेजोनेट करेगा सो so वो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू दिस इज ऑल बाय